और यही सच है सर, या तो आप पैसा कमा सकते हैं नहीं तो बहाने बना सकते हैं, दोनों में से यही दो कर सकते हैं। जो आदमी आलसी है वो बहाना बनाएगा, जो आदमी मेहनतवर है वो बिना बोले अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। बड़े स्केल पे अगर कुछ करना चाहें तो हाथी है, हाथी जी हाथी है, ग्राइंडर मतलब जी आप कुछ भी कर लीजिए खराब नहीं कर पाइएगा। 70 रुपया उसमें से माइनस कीजिए तो भी आप 150-200 रुपया पर घंटा कमा रहे हैं। दिन भर में 10 घंटा चला रहे हैं तो कितना हुआ, दूध आइए 20-2000 रुपये रोज कमा के घर जाइएगा। तो दोस्तों, पवन कुमार सिंह का झारखंड की धरती से एक बार सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार, और फिर से हाजिर हूँ उस एपिसोड को लेकर के जिसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में की थी कि एक ऐसी मशीन जिसकी लॉन्चिंग होनी थी भारत टूल्स एंड मशीनरी के द्वारा, अभिषेक जी ने उस मशीन को यहाँ पर मंगाया है जो कि अभी शायद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कहीं नहीं है। बहुत ही पावरफुल मशीन है, यूनिक मशीन है, तो उस मशीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं वो मशीन मेरे पीछे है और अभिषेक जी वहाँ पर हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से सर आपके। यहाँ पर लगता है कस्टमर डील कर रहे थे आप, खूब मशीनें बिक रही हैं आपकी। हाँ सर बिल्कुल, आप बस भगवान का आशीर्वाद है और ग्राहक देवता का आशीर्वाद है जी। तो आइए सर चलते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो आइए वहाँ मशीन के पास चलते हैं और इस मशीन को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी मशीन आ गई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी मशीन है और फर्स्ट टाइम यहीं से लॉन्च हो रही है। तो निश्चित है मैंने तो नहीं देखी है अब तक और ना ही इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। तो अभिषेक जी ये मशीन का क्या नाम है? ये आपका सर पल्वलाइजर है जी, मतलब इसको शुद्ध भाषा में हाइबा बोल लीजिए आप जी। एकदम यूनिक डिज़ाइन, यूनिक बॉडी, चेम्बर साइज सबसे अलग, सब कुछ इसका बेहतरीन करके बनाए हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग इसका आधा चेम्बर में लोग मशीन बेचते हैं 10 HP 15 HP बोल के। कैसा होता है 10 HP और 15 HP का मशीन, वो आज हम दिखा रहे हैं इसमें। मतलब 20 HP तक का मोटर इसमें, 20 HP तक का मोटर इसमें चलेगा हर, मतलब ये मशीन में मोटर कमजोर पड़ता है, मशीन सब में अबल रहता है ना? तब तो बहुत ही धांसु मशीन है जी। हाँ, और इसको मतलब लेकर के एक बेहतर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं बड़े स्केल पे। ये बड़े स्केल पे तो शुरुआत किया जाए। देखिए इसका चेम्बर से शुरू करते हैं। ये चेम्बर बिल्कुल यूनिक है, इसका 14x8 का फ्रंट चेम्बर है। 14x8 14x8 डायमीटर इंच। हाँ 14 इंची का आपका इसका, यहाँ से यहाँ ये 14 इंची का हो गया अंदर का हिस्सा, और ये आपका 8 इंची का है ये पूरा। हाँ लंबाई जी। हाँ पहले मतलब मशीन जो आता था पल्वलाइजर में उसका हार्डली होता था आपका 6x11 6x12 इस तरह से होता था फर्स्ट चेम्बर, और सेकेंड चेम्बर का तो बात ही कीजिए, वो एकदम बिल्कुल पिद्दू सा छोटा सा होता था। तो भैया बहुत स्पेस दे रहे हैं, बहुत स्पेस दे रहे हैं ताकि लोग एक मशीन बैठाएं वो सिर्फ मोटर चेंज करते रहें अपना प्रोडक्शन के हिसाब से, उसको ख्याल में रख के इसको हम बनाए हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक है। हाँ इसके पीछे भी एक आपका हो गया, 6x10 का पीछे वाला हो गया और 8x14 का फ्रंट वाला हो गया, यानी कि डबल चैम्बर हो गई। डबल चैम्बर हो गई, इसमें 6 ब्लेड आपका हार्ड ब्लेड बाहर में है और 4 अंदर में, 6x4 10 ब्लेड का मशीन है ये। अच्छा, इसका RPM कितना जाता होगा सर? RPM सर इसका लगभग 3500 से 4000। 4000 RPM? 4000 RPM। कुछ भी डालेंगे भूसा कर देगा, भूसा कर देगा। और इसका मेन खास बात है, पहले जो चेम्बर हुआ करता था उसमें ये क्रशर बड़ी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे 4-6 ऐसे डाल देता था दांत लोग और हो गया मशीन। तो वो चीज़ को हम सब कम्प्लीटली इसको रिकवर करके एक नया डिजाइन देने की कोशिश किए हैं कि अंदर में इसका मेन जो है राउंड क्रशर आपका बड़ा दांत का हो गया, जो कि जो भी मटेरियल जाएगा उसको 80% पहले ये तोड़ देगा, फिर आपका उसको फाइन करने का ज़रूरत पड़ता है। तो फाइन करने के लिए आटा पॉलिश चढ़ना, मतलब चमकना चाहिए आटा निकलने के बाद, तभी कस्टमर उसको लेंगे और खाएंगे। तो उसके लिए इसमें एक स्पेशल दांत दिए जो पल्वलाइजर में पहले आता था दांत, छोटी छोटी दांतें अंदर भी एक। हाँ अंदर, हाँ एक लेयर, ताकि एकदम आटा को ये पॉलिश करके निकाल दे बाहर। और मशीन पे छोटा मशीन रहेगा, 10 एचपी का मोटर लगा दीजिएगा, प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, हवा ज़्यादा बनाएगा। पहले लोगों का शिकायत होता था मशीनों में 10 HP 15 HP का पल्वलाइजर में कि भाई हवा बहुत ज़्यादा बना रहा है वो, तो हवा कहे नहीं बनाएगा, चेम्बर लगाइएगा एक बीता का और मोटर लगा दीजिएगा उसमें 10 HP का, तो हवा बने भी करेगा उतना, उसको चेम्बर में जगह चाहिए तब तो हवा नहीं बनाएगा। सही बात है। और जालियाँ भी इसमें सर, ये जो जाली इसकी एकदम यूनिक अलग सी है, मतलब हर जगह इसकी जाली मिल जाएगी। अच्छा, 100 रुपये की जाली, इसमें मेंटेनेंस में सिर्फ 100 रुपये आपको हर 2-4 महीने पे खर्चा आएगा। इतनी बड़ी मशीन की सर जाली मतलब सस्ता, इसमें सब कुछ सस्ता कर दिए हैं ताकि एक बार जो बैठाया 10 साल तक उसको सोचने का जरूरत। जालियाँ खराब नहीं होगी सर?
जाली खराब होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन हर जगह मिलेगी। अच्छा, ये मिल जाएगा। जी हाँ, ये आपका बस इस तरह का मीटर में जाली ले आना है, कैंची से काट काट के लगाते रहना है मशीन में। अच्छा, खुद से लगा सकते हैं? हाँ, खुद से लगा सकते हैं। दुकान में जाइए, अपना नेट जाली ले लीजिए, उसको कैंची से काटिए, इसमें लगाइए। अच्छा, और यहाँ पर सेक्शन में देख रहा हूँ सर, दो सेक्शन है, यहाँ दिखाया जाए। सेक्शन, एक सेक्शन जैसे जो नए लोग होते हैं उनको मशीन में कितना लोड देना है, किस हिसाब से चलाना है पता नहीं होता है जी, तो इसको दो सेक्शन में बांट दिए। ठीक है, इधर से आप गेहूँ डालें या जो भी अनाज डालें, यहाँ जाके रुक गया। ठीक है, यहाँ इसकी सेटिंग की प्लेट है एक। अच्छा, ये प्लेट ऊपर नीचे करने के लिए, जो नए लोग हैं उनको मालूम है ये कितना लोड में चलाएं मशीन, तो एक अपने हिसाब से लोग लोड सेट करके इसको टाइट कर देते हैं। अच्छा, आप उतना ही लोड में उसमें अनाज आप जितना चाहेंगे वह उतना ही इसमें से उसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हो जाता है? उससे फ़ायदा होगा, मशीन पर आपका एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, मोटर नहीं जलेगा आपका। अच्छा, जो एकदम से खींच लेता एकदम से खींच लेता था, तो एक लोड यहाँ पर कंट्रोल हो गया, फिर यहाँ से आपका अनाज गया, यहाँ चुंबक लगा दिए इसमें। ये चुंबक का क्या करेगा, गेहूं में किसी चीज़ में लोहा लकड़ होता है, तो लोहा लकड़ को ये अपने अंदर चिपका लेगा। अच्छा, इससे क्या होगा, लोहा लकड़ चेंबर में नहीं जाएगा, चेंबर का ब्लेड जो हो गया, दांत हो गया, वो टूटेगा नहीं, जाली का लाइफ बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बड़ा सिस्टमेटिक भी है। जी हाँ, और उसके बाद देखिए, अभी ये लोड सेटिंग हो गया, अभी यहाँ से आपका माल आना शुरू हो गया। अब यहाँ से आदमी को नया आदमी भी है, नहीं मालूम चल रहा है कहीं पे भी, कितना पे भी खोल के मुँह इसका, हाँ यहाँ इसका गोल घुमाने वाला है, इससे इसका मुंह बढ़ता है और घटता है। उसी से आप अपना सेट कर लीजिए जितना पे चलाना है। तो इस मशीन में आपका मोटर के हिसाब से लोडिंग सिस्टम है, वो हम बता देंगे वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप कि कितना एचपी का मोटर में कितना लोड चलेगा। ये लोड के बारे में भी सर बता ही दीजिए। हाँ, सब बता ही चुके हैं। तो इसमें आप 10 HP का मोटर अगर लगा के चलाते हैं मशीन को, तो एक घंटा में 120 किलो माल देगा। 120? हाँ, एकदम मैदा जैसा आटा बना के। मसाले वगैरह का भी? मसाला सब कुछ भी पीसी है, सब का प्रोडक्शन एक ही रहेगा, क्योंकि ये हाई क्रशर है, ये टूटेगा फूटने वाला मशीन नहीं है, हार्ड लोहा है ये। 10 HP पे 120 किलो आपका कुछ भी पीसी है। बेसन मतलब, जो है आपका मतलब बिजोड़ है। हाँ, मतलब एक कुंटल से अधिक हो गया ना सर? एक कुंटल से अधिक हो गया 10 HP में। बेसन अगर आप 10 HP का मोटर लगाया कर रहे हैं तो 200+ देगा बेसन घंटे में। दर्रा आपका कम से कम 400-500 किलो पर घंटा मकई का दर्रा। हल्दी को भी तोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डालिए, मशीन तोड़ेगा और पीस के निकाल देगा एक बार में, दोबारा डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़ इसका खासियत, मिर्चा जो होता था पहले पल्वराइजर में वो चिपक जाता था, इसमें नहीं चिपकेगा, ये निकाल देगा, मिर्चा भी फाइन क्वालिटी का पीस के निकाल देगा। मना भी करते थे उस चीज़ को पीसने से? हाँ, लेकिन इसमें मना नहीं है, इसमें पीस सकते हैं आप, इसमें हम बोलेंगे पीसिए, मिर्चा भी पीसा जाएगा। हाँ, सब पीसिए, मतलब लोहा पत्थर छोड़ के जो डालना है सब पीस के निकालेगा ये। मतलब एक तरह से तो समझिए कि मशीन लेने के बाद एक मिनी ग्राइंडिंग फैक्ट्री आप सेटअप कर जी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब पल्वराइजर में इससे बड़ा मॉडल आज तक कोई नहीं बनाया है। जो चेंबर साइज हम दे रहे हैं 14x8 और 6x10, ये अभी तक किसी के पास नहीं है। अच्छा, 6x11 6x12 होता था, वो पिद्दू सा इतना बड़ा देखते, ऐसे लंबा इतना बड़ा मुँह हो गया, तो अरे भैया उससे मशीन में जान कहाँ मिला। और सर ये तो 10 HP वाला बताया आपने। हाँ, अब इसमें 15 HP का मोटर लगा दीजिए, 15 HP का मोटर में 160 से 170 किलो का प्रोडक्शन मशीन देगा। सेम चीज़? हाँ, सेम चीज़, मशीन सेम रहेगा, मोटर चेंज कर दीजिए 15 HP 170, मतलब सारी चीज़ों के लिए सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा। 20 HP में? 20 HP में 230, दो क्विंटल पार। बहुत बढ़िया। और मोटर जो लगाने की है सर, वो आप लगा के देंगे या अपने हिसाब से लगा लें? कस्टमर को बोलते हैं, देखिए बड़ा मोटर है अपना, लोकल खरीदिए, क्रम्पटन से खरीद लीजिए, किर्लोस्कर से खरीद लीजिए, बहुत सारी मोटर कंपनियां हैं, अपने लोकल से खरीदिए, क्योंकि ये मशीन तो आप मेरे से खरीद लेंगे, और ये मशीन ऐसा है कुछ भी इसमें टूटेगा फूटेगा नहीं, ना जंगिया आएगा, ना चीटिया आएगा, ना टूटेगा, ना ढहेगा। कितने साल तक सर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है इसमें? इसमें मेरे हिसाब से कोई मेंटेनेंस नहीं है 10 साल तक। 10 साल तक कुछ नहीं है। इसका जो हैमर है, हैमर का गारंटी दिए हैं 2 साल का, 2 साल में अगर ये हैमर टूट गया दूसरा नया देंगे। 2 साल तक है? हाँ, 2 साल तक। इसको 5 साल मेरे हिसाब से, जहाँ अभी तक एक कस्टमर को हम शुरुआत में दिए थे, जब मशीन बना रहे थे अंडरग्राउंड में, तो एक कस्टमर को दिए थे, तो उनके पास भी 3 साल चलता हुआ हो गया मशीन में, 1% का कोई रत्ती भर का मेंटेनेंस नहीं आया है। काफ़ी मतलब एकदम लोहे की बॉडी है, मजबूत भी है। वेट क्या होगा सर इसका? इसका बिना मोटर का 250 किलो वजन है। 250 किलो। हालांकि ये चीज़ तो सर बस से जाएगी नहीं कहीं? नहीं, बस से भी चल जाती है। जैसे इसका जो हॉपर होता है, ये सिस्टम को खोल के हम दो आधा करके भेज देते हैं। अच्छा, लेकिन बस में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो ज़्यादातर अगर भाई लोग सहयोग करें
कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और आ जाए सामने, मशीन पसंद किए ट्रांसपोर्ट वाले को बुला देंगे, ट्रांसपोर्ट वाला डालेगा लेके चल जाएगा, वो ज़्यादा सेफ है। हाँ, जो लोकल लोग हैं आसपास के, मतलब यहाँ से 100-200 किलोमीटर के, वो डायरेक्ट टेम्पू में डाल के भेज देते हैं। जैसे कल ही ये मशीन का लाए थे, 3 पीस बना, 2 पीस निकल गया हाथ हाथ, एक जमुई चला गया, वो 20 HP का मोटर में चला रहे हैं, एक आपका लेके गए हैं यहाँ पे बुंडू तमाड़। तो देखिए, मतलब ये लॉन्चिंग से पहले मशीन बेचा रहा है, ऐसा चीज़ है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड, मतलब लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, बुक हुई है। दो तीन मशीन तो ऑलरेडी बताया कि इसको कल ही लाए और मतलब लॉन्चिंग से पहले 2 लोग लेके चले गए। चीज़ नहीं, ये तो सर शानदार, चूँकि अब तक मैंने भी ऐसा नहीं देखा था, और ये एक लग रहा है कि हाँ बड़े स्केल पर अगर कुछ करना चाहें तो हाथी है, हाथी जी, हाथी है, मतलब ग्राइंडर, मतलब जी आप कुछ भी कर लीजिए खराब नहीं कर पाइएगा इसमें, खराब होने वाला सिर्फ चीज रहेगा मोटर। इसलिए कस्टमर को मेरे तरफ से सलाह रहेगा कि मोटर अपना लोकल में खरीदिए और जरा के साले को पेरते रहिए। चलिए, तो अब तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारे दोस्त, पर्दा उठाइए प्राइस पर। प्राइस पर अब देखिए, इसका मोटर के हिसाब से अगर मोटर लगा के मेरे से लेंगे, 15 HP का मोटर अगर लगा के लेते हैं लोग, तो 1,60,000 इसका दाम आ जाएगा। 20 HP का मोटर लगा के लेते हैं तो इसका मोटा मोटी 170-180 चला जाएगा, मतलब पर 3 HP पे 15,000 रुपया कीमत इसका बढ़ता जाएगा। अच्छा, मात्र? हाँ मात्र। 10 HP का मोटर लगा के लेंगे, 1,30,000 में इसको दे देंगे। अच्छा, विदाउट मोटर? विदाउट मोटर मशीन 85,000 रुपया का है। 85,000? हालांकि उस हिसाब से तो सर पिछले मशीन से सस्ती पड़ी है, बहुत सस्ती है। ये मानते हैं अभिषेक जी कि ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है? नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनको बड़े सपने, जो बड़ा सपना देखते हैं और एक उद्योगपति बनने का उनके ख्याल में है, तो वो सपना इससे जरूर पूरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो पहले से 20-30 साल से चक्की चला रहे हैं पत्थर वाला, कूटे जा रहे हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े लोग होते जा रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल है कि भैया आप उसको हटाइए, इसको बैठाइए, लंबी छलांग हो जाएगी। इस समय अब आ गया बदलने का, एक प्रोडक्शन फैक्ट्री बैठा करके और सब क्षेत्र में आप सप्लाई करें, दरादर, क्योंकि माल की तो कभी कमी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। अरे भैया, दर्रा अगर 15 एचपी का मोटर से कीजिएगा, कम से कम 600-700 किलो निकालेगा, कितना पीसिएगा दर्रा। सही बात है। तो मार्केटिंग पर्पस से ये मशीन जो ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि कॉलोनी में बैठा दे उसके लिए मशीन, मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, कॉलोनी में भी लोग बैठाते हैं, कहीं कहीं होता है कि आपका एक कॉलोनी में किसी का 400 किलो रोज का पिसाई है, किसी का वो देख के तो मतलब एक छोटी मोटी कॉलोनी है सर, हमेशा आता है कॉमेंट कि नहीं 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 चलता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कॉलोनी छोटी हो तो सर मॉल से ले लेंगे लोग, आसपास जाए। लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा कि छोटे स्केल वालों के लिए ये शायद ना, क्योंकि लोग मॉल से भी ले रहे हैं तो मशीन वालों की गलती है जो उसको चला रहे हैं, उनको प्रचार करना नहीं आ रहा है, आप शुद्ध चीज दे रहे हैं, यही चीज मॉल में जाके आप बेचिए। हम बेचिए कहा नहीं बेचाएगा, अब मॉल का है, आपने दुआरी पर लगा दीजिए ना मॉल, आप छोटा सा मॉल एक बना दीजिए, मिनी मॉल, गरीब का मॉल है ये। गरीब का मॉल, ये बात सही आया। हाँ। तो पन्नी में अपना ब्रांडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीजों का आप पैकेजिंग कीजिए, बेचिए, दीजिए, गरीब का मॉल है भैया, जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, नॉर्मल हैं, वो सब आइए खरीदिए, मॉल छोड़िए, बुद्धि से काम करना पड़ेगा तब ना आगे बढ़िएगा। कि हम मुंह में आकर खाना खिलाएंगे बैठा के, नहीं, हम मशीन दे रहे हैं, जितना बन पा रहा है कम से कम दाम में आपके लिए लेके आ रहे हैं, अब आप आगे बढ़िए, अपना मेहनत कीजिए, अब आपका बारी है, आपका बारी है। सही बात है, ये मिल गया रास्ता वैसे लोगों के लिए जो लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, जिनको बहुत ही कम टाइम पीरियड में आगे जाना है, तो ये आगे जाने के लिए एक शक्तिशाली मशीन है। जहाँ पे लोगों का जमा जमाया मार्केट है, पहले का पत्थर चक्की है चाहे जो भी है, वहाँ पे इसको बैठा दें, अब उसमें 10 घंटा लोग जो दिमाग लगाते थे, खुटर पीस रहा है 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा लगल है आदमी आटा पीसे में, उस चीज़ को ये हल कर देगा 4 घंटा मशीन चलाइए, आराम से इत्मीनान से बैठिए कुर्सी लगा के, नहीं आपका ना जाने कितना तैयार हो जाएगा। अब घंटा का मान लीजिए 10 HP मोटर से अगर चला रहे हैं, 120 किलो ये अनाज छोड़ रहा है, पर किलो में आपका 2 रुपया बचत मान लीजिए, 2 रुपया ही हो रहा है या 1 रुपया हो रहा है। बिहार में लोग बोलते हैं 2 रुपये पिसाई करते हैं, कहाँ से बचेगा भैया, 50 पैसा आपका घंटा में बिजली का खर्चा आया, आपका 1 किलो में 1 किलो अनाज पीसने में 50 पैसा खर्चा आया, ठीक है, बिजली पर लोग आ जाते हैं। हाँ, तो हम कि ना घंटा बचेगा, बिजली जाके पता किए हैं कितना रेट चल रहा है, पूरी बहस लड़ा देते हैं, आज हम क्लियर कर दे रहे हैं हर जगह का, हम आज हिसाब जोड़े हुए हैं। बिहार में 7-10 रुपया आपका यूनिट है बिजली 3 फेज का, आप 1 घंटा मशीन चला रहे हैं 10 HP के मोटर में, तो 6 यूनिट ये बिजली खा रहा है, तो 6 दहिए 60 रुपया का घंटा में बिजली खा गया आपका।
ठीक है, 10 रुपया उसमें पर घंटा मशीन, अब आपका मेहनताना जोड़ दीजिए 70 रुपया हुआ। आप 2 रुपये किलो अगर आटा पीस रहे हैं तो पर घंटा 120 किलो में कितना आया, 240 रुपया आया, 70 रुपया उसमें से माइनस कीजिए तो अभी आप 150-200 रुपया पर घंटा कमा रहे हैं। दिन भर में 10 घंटा चल चला रहे हैं तो कितना हुआ, दूध आइए 20-2000 रुपये रोज कमा के घर जाइएगा आराम से, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, छोटे स्केल पे शुद्ध हिसाब जोड़ दिए नॉर्मल, जो मतलब आदमी खाली आटा पीस के कमाएगा। अब इसमें बेसन बनाइए, दर्रा बनाइए, पशु सेवक बहुत सारे हैं, गाय का खटाल है, दौड़िए पकड़िए उनको, अपना दर्रा बना के सप्लाई दीजिए, वो करेंगे तो सर महीने के लाख रुपए इनकम पार हो जाएगी। लोग मेहनत नहीं करना चाहता है तो बोलता है कि का करेगा, भैया मेहनत कीजिए ना, हम तरीका हमसे पूछिए, हम सिखाते हैं, छोड़िए आप। और यही सच है सर, या तो आप पैसा कमा सकते हैं नहीं तो बहाने बना सकते हैं, दोनों में से यही दो कर सकते हैं। जो आदमी आलसी है वो बहाना बनाएगा, जो आदमी मेहनतवर है वो बिना बोले अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। और सही बात है, एक मशीन बेचने वाले को ये समझ में आ रहा है कैसे करें क्या करें, लेकिन खरीदने वाले को समझ में नहीं आता है तो बड़ी अफसोस की बात है। वही बात है। तो वही सही बात है कि आप जैसा बोलते हैं कि खाना भी अभी लोग खिलाएंगे तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो चलिए अब अभिषेक जी से एक मैसेज हम लेना चाहेंगे जी। कि युवा एंटरप्रेन्योर्स के जो हैं किसान हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस मशीन के बारे में? भैया मैसेज मेरा यही शुद्ध सा है, अगर पैसा है 2 रुपया रखे हैं मशीन बैठाइए और मेहनत कीजिए तभी आगे बढ़िएगा, घर में बैठने से आगे नहीं बढ़िएगा। मशीन हम देने के लिए तैयार हैं, सस्ता से सस्ता मशीन ला रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, साथ आप लोग भी दीजिए। सही बात है। और यही यूनिवर्सल चीज़ है ये तो, और नया टेक्नोलॉजी लाए हैं, नया चेंबर के साथ नया बड़ा मशीन, जो लोग बोलते थे बड़ा मशीन चाहिए कुछ अच्छा दिखाइए, मुझे भी बार बार यही आता था कि क्या सर बड़ा कुछ दिखाइए, बड़ा कुछ दीजिए, बड़ा ला दिए। अब आपका इसमें मोटर कम पड़ेगा, मशीन मेरा कम नहीं पड़ेगा, आप काम कीजिए। चलिए शानदार है, आप एकदम जुट जाइए उसमें, जुट जाइए, काम कीजिए। मशीन का दाम उनका बात है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए हम खुद ही जितना हो पाता है उतना कम से कम करके दे देते हैं मशीन, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे। इसके लिए आप आएँ और अभिषेक जी से बात करें और बिहार स्टोरी का जरूर चर्चा करें, तो हो सकता है कुछ कृपा हो जाए आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और लोगों का मतलब बहुत सारा कमेंट हम भी देखे कि अरे तो बहुत हार्ड बोलते हैं, भैया हार्ड नहीं बोलेंगे तो सीखिएगा नहीं, तीखा बोली जरूरी है ना। मीठा मीठा हम बोले बाबूजी आइए जी, मशीन है जी, फलाना है जी, ढिकाना है जी, अब बाबूजी लेके गए और 10 किलो बोल के दिया है, 5 किलो पीस रहा है, तो भैया हमसे वो काम नहीं होगा। नहीं चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मशीन की जानकारी देने के लिए। और दोस्तों और भी जो डिटेल्स चाहिए जरूर आएँ, रांची आएँ और ऐसी ऐसी मशीन को ले जाने के लिए एक बार तो विजिट करें ही, जरूरी है। हाँ, और यहाँ आएंगे तो 1 लाख रुपये लगा रहे हैं, आपका हक बनता है क्या कि मशीन देखें, ऑनलाइन के भरोसे नहीं, आजकल ऑनलाइन में ईंटों पत्थर लोग भर के भेज रहा है। पिछले एपिसोड में जैसे वो जामताड़े से धान लेके पहुँचे थे, आप भी लेते आएँ और सामने यहाँ पिसवा लें। हाँ बिल्कुल, सामने करके दिखाएंगे क्या है नहीं, आगा में गिरेगा, दूध का दूध पानी का पानी, कहाँ कोई ठगी है। हाँ बात का बोलिए नहीं कि भैया आप तो ठग दिए हमको, सामने आइए मशीन रखा ले पीसिए और देखिए और ले जाइए। बिल्कुल सर, तो चलिए वीडियो लंबी हो रही है सर, अब इजाज़त दें, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे इनकी नंबर मिल जाएगी और भी जो डिटेल्स है प्लीज़ बात कर लें आप अभिषेक जी से, और बहुत ही झारखंड के मेरे ख्याल से राइस मिल और आटा चक्की में इनका कोई सानी नहीं है और इनकी मशीनें तो पूरे भारतवर्ष में जाती हैं। तो चलिए दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा, बताइएगा, कोई सवाल हो तो वो भी लिखिएगा और इनसे भी बात कीजिएगा। मिलते हैं नए जगह पर नए जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।